हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दिनेश सर रियल एकेडमी से। बहुत सारे बच्चों को एप्लीकेशन डाउनलोड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मुझे लगा बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर एक प्रोमो टाइप का एक मतलब ऐसा बना दो आप कि हम लोग आराम से जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और एप्लीकेशन में जो मेटेरियल वगैरह है या जहां क्लासेस चल रही है तो हम लोग वहां पर आराम से देख सकें। ठीक है, तो एप्लीकेशन के बारे में आज बता देते हैं। एप्लीकेशन हमारा है डीएल एकेडमी। ठीक है, सबसे पहले आप चले जाओ प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप सर्च कर लो। सर्च आपको क्या करना है, डीएल एकेडमी, ACADEMY, ये वाला लोगो, ये वाला जो लोगो है ये है डीएल एकेडमी ऑनलाइन विद्या। ठीक है, यही वाला हमारा लोगो है। जब सर्च कीजिएगा तो लोगो जरूर देख लीजिएगा कि ये लोगो है कि नहीं। ये वाला लोगो जब आएगा तो इसी को हमको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इसी को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, या इंस्टॉल पहले से ही हमारा हो चुका है तो इंस्टॉल हो जाए, तो इंस्टॉल करने के बाद इसको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। ठीक है, जब आप ओपन करोगे तो ये खुल जाएगा। इसको खुलने से पहले यहां पर जब ये खुलेगा, जब आप एप्लीकेशन को यहां से इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपसे मांगेगा एंटर योर फोन नंबर, तो जो नंबर आपका रिचार्ज हो वही फोन नंबर इसमें डालना है। ठीक है, जो नंबर आपका रिचार्ज हो इस वाले स्लॉट में जब इंस्टॉल कर लोगे तो इसमें आपको क्या करना है, नंबर अपना डालना है, वो नंबर डालना है जो रिचार्ज है। ठीक है, मैंने यहां पे नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, यहां पे नंबर डालने के बाद आपको यहां से लॉग इन करना है। ठीक है, ये नीचे ऑप्शन रहेगा, आप यहां पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे जो रिचार्ज है, उसके बाद यहां से क्या कर लेंगे, लॉग इन कर। ठीक है, जब लॉग इन करेंगे तो आपको जो नंबर डाले होंगे उसी नंबर पर ओटीपी जाएगा। ठीक है, उसी नंबर पर 4 डिजिट की ओटीपी जाएगी। कभी कभी डायरेक्ट ओटीपी यहां ले लेता है, कभी कभी नहीं लेता, तो मिनिमाइज करके मैसेज में जाके वहां से ओटीपी लेना है। ठीक है, यहां देखिए ओटीपी जैसे ही डालोगे वैसे ही आपको बहुत सारी चीजें फिलअप करने को आएंगी। जैसे आपको कहेगा कि फोन नंबर डाल दो, आप पहले से डाले हो, इंटर योर नेम, आपका जो नाम है वो डाल दीजिए, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, क्रिएट योर पासवर्ड। देखो ये ईमेल आईडी का पासवर्ड इसमें नहीं डालना है, ये कोई अपना 4-5 अंक का कोई अपना बेसिक पासवर्ड बना लो, कोई अपना पासवर्ड बनाना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको जो क्रिएट योर पासवर्ड है, ये पासवर्ड जो है वो क्या करना है, इसमें अपना कोई पासवर्ड बनाइएगा, ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना है। इसमें आपको जैसे 1 2 3 4 5 डाल दीजिएगा या 4 times 0, मतलब कुछ भी इसमें डाल दो जो आपको याद है, बहुत आसान पासवर्ड डालना जो आपको याद रहे। ठीक है, तो यहां जैसे है अपना नाम आप डाल दिए, यहां पर ईमेल आईडी आप डाल दिए, इस वाले स्लॉट में क्या करना है बच्चा, अपना कोई पासवर्ड, अपना 4-5 अंक का जो नॉर्मल पासवर्ड हो कि आप अपने फोन में जब जाओ लॉगिन, अगर लॉगआउट कर दिए हो तो लॉगिन करना रहेगा तो उसमें आपसे पासवर्ड मांग सकता है, तो पासवर्ड आसान रहे कि आप आराम से डाल दो। ठीक है, कोई भी 4-5 अंक का अपना कोई क्रिएट कर लेना पासवर्ड। उसके बाद कंफर्म योर पासवर्ड, मतलब जो पासवर्ड आपने डाला जैसे 1 2 3 4 5 6 डाल दिया गया, तो यहां पर भी 1 2 कंफर्म करना है, कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, कंफर्म करने के बाद आप क्या कर लीजिए, कंफर्म करने के बाद आप यहां से रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, कंफर्म करना है, पूरा डिटेल फिलअप करके, ध्यान रहे पासवर्ड जो है अपना कोई 4-5 अंक का ईमेल आईडी का नहीं डालना है, कोई नॉर्मल पासवर्ड डाल करके पूरा फिलअप करके यहां से क्या कर लेना है, रजिस्टर। ठीक है, जैसे ही रजिस्टर आप करोगे वैसे एप्लीकेशन क्या होगा, खुल जाएगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा ईमेल आईडी सही नहीं है, इसके वजह से नहीं खुल रहा, ईमेल आईडी सही होगा तो यहां अपने आप खुल जाएगा। ठीक है, इसमें जो डिटेल है वो सही फिलअप कीजिएगा, सही फिलअप करेंगे उसके बाद यहां से क्या कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, देखिए रजिस्टर हो गया, यहां पर आपका इस तरह का खुलेगा। ठीक है, इस तरह का खुलेगा, तो अगर यहां से आपका नहीं खुलता है, यहां से अगर आपका नहीं खुलता है तो यहां से पूरा बैक कर लीजिएगा, दोबारा उसको आइएगा तो यहां अपना नंबर डालिएगा और फिर यहां क्या कीजिएगा, लॉग इन कीजिएगा। लॉग इन करेंगे तो यहां से आपका पासवर्ड अगर सेव कर दिए हैं तो लॉग इन कर दिए हैं तो अपने आप को क्या करेगा, खुल जाएगा। ठीक है, अब जब खुलेगा, अब यहां से जब खुलेगा तो आपको तमाम सारा बैचेस जो है वो क्या करेगा, तमाम सारा बैचेस वहां से दिखाएगा, ये आ गया टेक्निकल टीम, चलिए कोई बात नहीं है। तो अब जब आप खोलेंगे दोबारा, अगर आप एक बार नहीं खुलता तो पूरा रजिस्टर करने के बाद, रजिस्टर जब आप कर दिए तो बैक चले गए थे, बैक के बाद फिर से जब खोलेंगे तो आपको क्या करना है, फोन नंबर डालना है अपना, जो आप फोन नंबर डाले थे, फिर आप क्या कर लीजिएगा, लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है, लॉग इन करने के बाद आपको कहेगा पासवर्ड डालिए, तो वही जो 4-5 अंक का डिजिट का जो आप बनाए नॉर्मल पासवर्ड वही डाल दीजिएगा, उसके बाद लॉग इन कर दीजिएगा, एप्लीकेशन खुल जाएगा। अब एप्लीकेशन जब खुलेगा तो ये हमारे सौरभ सर मैकेनिकल फाइनल ईयर को पढ़ाते हैं, इनका पहले ही पेज पर कभी कभी आ जाता है, ये हमारा आना चाहिए था, जानबूझ करके इनका टेक्निकल टीम लगाए थे भाई, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद यहां से आप व्यू ऑल कर सकते हैं, यहां से जितने बैचेस हैं
आपको ऐसे ढूंढने में दिक्कत होगी, व्यू ऑल कर दीजिए, यहां से जितने आपके बैचेस हैं सब खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे सेकेंड ईयर अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रिकल फिफ्थ है, ईएम और स्विच गियर प्रोडक्शन है, उसके बाद फिर यहां पर मैं हूं सोम हाइड्रोलिक मॉस को लेकर के, और यहां पर फिर इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर नागेश सर होंगे। तो ऐसे मतलब ये सौरभ सर फिर आ गए दोबारा, कोई बात नहीं है, ये फिर मतलब ये सारे बैचेज आपको, आप जिस ईयर जिस ब्रांच के हैं वो सारा आपका खुल जाएगा। अब आप अगर सिविल सेकेंड ईयर के हो तो सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर ढूंढकर उसमें चले जाओ, अगर आप मैकेनिकल थर्ड सेम में हो तो उसमें चले जाओ, अगर मैकेनिकल थर्ड सेम हो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर, जो भी आपका स्लॉट है उसमें आप चले जाओ। और वहां जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, कॉन्टेंट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो कॉन्टेंट में जाने के बाद वहां पर आराम से आप जो है दिखा रहे हैं सर, देखिए कंटेंट में चले जाइए, अपने स्लॉट में जाने के बाद वहां ओपन करेंगे, कंटेंट में जाइएगा। अगर आपको लाइव क्लास लेना है, लाइव क्लासेस यहां पर है, आप लाइव क्लास को क्लिक करेंगे, यहां से कहेगा कि ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद आपकी जो क्लास है वो प्लेयर वन प्लेयर टू दो ऑप्शन रहेंगे, आप वन से भी चलाइए टू से भी चलाइए और वहीं आप कमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा था, यही आपको करना, ये प्लेयर वन और टू है, यहां आप जब लॉगिन करेंगे तो यहां से प्लेयर वन टू पर आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको जितने पर देखना है, 144 पे, 240 पर या 360 पर, जो भी देखना आप आराम से देख सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल है, जैसे कोई मटेरियल वगैरह है, नोट पीडीएफ वगैरह, तो आप अपने स्लॉट में ही गए थे, कॉन्टेंट में गए थे, तो आप स्टडी मटेरियल में चले जाओ। स्टडी मटेरियल के बाद आपको मिलेगा कि भैया कौन से ईयर के हैं, सिविल सेकेंड ईयर का पीडीएफ यहां है, यहां मिल जाएगा, सिविल सेकेंड ईयर की वीडियो जितनी अभी तक क्लासेस चली है वो यहां मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आपको मटेरियल लेना है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का, यहां चले जाइए, हाइड्रोलिक का लेना है यहां चले जाइए। तो इस तरह से आप किसी भी ब्रांच के हो, आपको अपने ब्रांच में जाना है, ब्रांच में जाने के बाद आपको कंटेंट में जाना है, और कंटेंट में जाने के बाद अगर आपको लाइव क्लास लेना है तो लाइव क्लास के फोल्डर में चले जाइए, अगर आपको स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह चाहिए तो स्टडी मटेरियल में चले जाइए, ठीक है। जिस भी ईयर के हैं और जिस भी ब्रांच के हैं सबके लिए बहुत आसान ये रहेगा, ठीक है। तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो दोबारा वीडियो को चला लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वीडियो जो हमारी है, यहां पर सेकेंड ईयर की जो भी आपका ब्रांच जो भी ईयर रहेगा, यहां पर आप अपनी सारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, वो पड़ा रहेगा। तो यहां से जैसे ये है, सारी वीडियो पड़ी हुई है, जब अटेम्प्ट करेंगे ओपन करेंगे तो ये सारी वीडियो आपको जितनी क्लासेस चली थी ना, ये देखिए सारी क्लासेस यहां पर पड़ी हुई है सीरियल वाइज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि आप अब किसी भी ब्रांच के हो, किसी भी ईयर के हो, तो आप इसको देख करके बहुत आसानी से सारी चीजों को, वीडियो हो, नोट्स हो, पीडीएफ हो, लाइव क्लास हो, सारी चीजें, कुछ करना नहीं है, जो भी ईयर है जो भी ब्रांच है उस स्लॉट में जाइए, उसके बाद कंटेंट को क्लिक करिए, उसके बाद स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्टडी मटेरियल में जाइए, लाइव क्लास लेना है तो लाइव में जाइए, उसमें जाने के बाद आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है।